So you can open that screen. ये कल डिस्कस किया, कल जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था, फर्स्ट चैप्टर रिवीजन का, तो भी मैंने डिस्कस किया था और कल मैं बता के गई थी नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी साइंस, आर्ट, प्रोफेशन और फिर उसने एक ऑप्शन बना दी इनटेंजिबल एसेट. जिस चीज में बार बार प्रैक्टिस की बात होती है वो आर्ट होता है भाई. एक सक्सेसफुल मैनेजर को अनसक्सेसफुल मैनेजर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? That depends upon the ability to put the principles into practice. तो जब वो प्रैक्टिस की बात करता है तो वो आर्ट है. सो आपकी कौन सी बी ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट का आंसर बी होगा. ठीक है. प्रोफेशन कब होगा? जब सोर्स ऑफ लिवलीहुड होगा. साइंस कब होगा? जब आपका बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज नॉलेज होगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगा. और जब रेगुलर प्रैक्टिस की बात होती है तो आर्ट रहता है. अगला भी करवाया, ये तो सारा सिलेबस हुआ हुआ है, ये तो हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए. That provides a rational approach for setting objectives and developing app. ये क्या? Very good. Plan. ठीक है. Planning में हम लोग objective set करते हैं, फिर alternative courses of action भी decide करते हैं. Marketing mix is the set of marketing tool होगा भाई. चार marketing tool होते हैं जिसे चार P's भी कहते हैं. ठीक है. तो marketing mix किसका combination है? Marketing tools का combination है. ये आसान question था. कौन से लेवल पे सर्वाइवल एंड वेलफेयर डिस्कस होता है? कौन से सर्वाइवल एंड? यस, टॉप लेवल. बिल्कुल ठीक. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. टॉप लेवल मैनेजमेंट डन. नेम द प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल व्हिच व्हेन अप्लाइड, जब हम उसे अप्लाई करेंगे वुड मीन दैट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रेजुडाइस टुवर्ड्स ईच अदर. दिस आई वॉन्ट टू कंफर्म फ्रॉम द बुक. कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल है जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने काम करेंगी? आगे चलो. आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. तीन डायमेंशन करवा के गई थी कल, मल्टी डायमेंशनल. बोलो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. तो कहता कौन सा मैनेजमेंट की बात हो रही है? विच स्पेसिफाइज द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव. बात किसकी हो रही है? ह्यूमन रिसोर्सेज की. पीपल होगा बे. यस, मतलब उनकी वीकनेसेस को ज्यादा प्रमोट नहीं करो. ठीक है. जो उनकी स्ट्रेंथ्स है आप उनसे बेनिफिट लो. इररेलेवेंट जो उनकी वीकनेस है उनको छोड़ दो, उनको पीछे हटाओ. ये भी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में. डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज. पब्लिक रिलेशन है भाई. अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए आप जो कुछ भी करते हो, डिफरेंट प्रोग्राम्स यू कंडक्ट, आप इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हो, तो वो आपका पब्लिक का रिलेशन है. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विड यू सुजेस्ट फॉर अ फर्म विच हैज डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन? यस, डिविजनल के फंक्शनल, बाकी छोड़ दो, दोनों में से कौन सा? डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज. डिवर्सिफाइड डजंट इंडिकेट डिविजनल. डी फॉर डिवर्सिफाइड मीन्स अलग अलग काम. फंक्शंस फंक्शनल. यहाँ पे लिखा होता डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट, फिर डिविजनल होता. डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस है भाई, अलग अलग काम करने को दिए हैं और हर बंदा अपने काम में स्पेशलिस्ट है. हाँ, एक भी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज. वहां पे वो प्रोडक्ट की रेफरेंस जरूर देगा डिविजनल में. हाँ, ये भी करवाई हुई है. लिमिटेशन इंपॉर्टेंस रादर. Changes or events can't be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. Is suggested by the following importance of planning. कहाँ से question निकाला? Yes, it reduces the risk of uncertainty. कहता market में changes होती रहनी है, हम उन्हें avoid नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि उन्हें कैसे handle करना है, उसके against हम अपने responses develop कर सकते हैं. अगला, grouping similar nature of jobs into departments is called departmentalization and that is a step of which process? Yes, karwaya abhi. Organizing. Good, it is organizing. Statement planning is a primary function. Sabse pehle kiya jata hai. So it is planning precedes other function. Yahi hoga theek. Precedes matlab pehle kiya jata hai. Baki option padhne ki zarurat hi nahi hai, but you can read it in the paper kyunki maine ek bar paper study kar liya hua hai, to options are in my mind, right? A major decision area under one of the functions of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used. Retailer कौन होगा, wholesaler कौन होगा, agent कौन होगा, किसमें decide करते हैं? Physical distribution. Yes, good.
बिकॉज फर्स्ट पी इस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, सेकेंड इज ऑफ प्राइस, उसमें प्राइस डिटरमिन होता है, तीसरे में डिसाइड करते हैं, और फोर्थ प्रमोशन है, ठीक है ना। हाँ, प्लेस प्लेस मिक्स वाले में डिसाइड करते हैं सामान कैसे कहाँ से बेचना है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, कौन सी डायमेंशन है हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, कौन सी डायमेंशन है, इज इट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कौन सी डायमेंशन है, पॉलिटिकल। यस, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री के साथ मेरे को फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं और कौन सी कंट्री एनिमी कंट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अगर आपको याद हो मार्केटिंग का चैप्टर तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये करेक्ट है, ठीक है। देन फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, ये भी करेक्ट है। मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये गलत है, मार्केटिंग में बहुत सारी और एक्टिविटीज भी आती है भाई, सिर्फ प्रोडक्शन थोड़ी ना, ये नहीं है कि सिर्फ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी आएंगी, ये नहीं है कि सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी आएंगी, इवन सामान बेचने के बाद प्रमोशन भी है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी है, सो इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी ओनली, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। वो कहते हैं पोस्ट का मतलब है प्रोडक्शन के बाद वाली एक्टिविटीज इसमें आती है, नो, प्रोडक्शन से पहले वाली भी बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, सो सी इज इनकरेक्ट। आप डी भी पढ़ लो वो भी ठीक है। मार्केटिंग मिक्स इज वाइडर देन द प्रोडक्ट मिक्स, करेक्ट है। मार्केटिंग मिक्स अपने आप में बड़ा टर्म है ना, और प्रोडक्ट मिक्स उसका पार्ट है। 17 तो देखो कटारिया जी, आप कुछ सर्च कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन ही देख रहे हैं, गुड, गूगल फॉर्म के क्वेश्चन निकाले उसने, देखो, और मैं कौन से डिस्कस करूं, गूगल फॉर्म है ना, मेरे को तो ब्लू वही लग रहा है। अच्छा ठीक है, 17 देखो, ओके 16, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिल्कुल ठीक है। 16 का चेक करते हैं, ये नहीं मैंने पढ़ा, 16 का डी बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डन। 17, इट डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रमोशनल टूल, कंटेनर, पैकेजिंग, यस, कंटेनर में है, बॉटल में है, सैशे में है, हमारे प्रोडक्ट को क्या मिलती है, एक तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, और अच्छी पैकिंग हमारा एक प्रमोशनल टूल की तरह भी काम करती है। एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड फॉर इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के लिए जो 3-4 महीनों के हैं उनके लिए एक फूड बनाया और उसके ऊपर लिखा नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 4 मंथ्स, जो 4 महीने से छोटे हैं उनके लिए नहीं है। कौन सी डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हो, लीगल भाई, जैसे सिगरेट के पैक के ऊपर लिखना स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ठीक, और कंडेंस्ड मिल्क के ऊपर लिखना मदर फीड इज गुड फॉर द चिल्ड्रंस हेल्थ, मेडिसिन की बॉटल के ऊपर लिखना कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, सो दीज आर लीगली रिक्वायर्ड, सो दिस इज लीगल एनवायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल which aims at preventing overlapping of activities, division or unity of direction, yes, क्योंकि one head one plan है, आपने हर बंदे को बता दिया उसने कौन सा काम करना है, तो कोई भी बंदा repeated task नहीं करेगा, overlapping नहीं होगी, that is unity of direction, that ensures, dash ensures that subordinates performs task on the behalf of, बहुत आसान question है, क्या बोलो, हाँ ठीक बोला, बोलो, डेलीगेशन, यस, मैनेजर्स का वर्कलोड कम करना, कितना टाइम लगा के हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर किया, थैंक गॉड यू नो द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फॉर दैट आई एम हैप्पी, अकाउंट्स की तैयारी नहीं है आपकी। हाँ, 21st पे आते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, ग्रेडिंग है, बिल्कुल ठीक है। 21st का आप कह रहे हो बी, लेट मी चेक द की, ठीक है जी, बी, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग पता है ना, ए ग्रेड का सामान है तो इतने इतने चावल के दाने होंगे, अगर एप्पल की ग्रेडिंग करनी है तो दैट विल बी लाइक ऑफ अ, क्या बोलते हैं, सुप्रीम क्वालिटी। कैश्यू नट्स की करनी है तो इतना बड़ा साइज है प्लस फुल कैश्यू नट है, दैट विल बी ए क्वालिटी। तो ग्रेडिंग हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, क्वालिटी और साइज के अकॉर्डिंग होती है। ये भी बहुत आसान है, ये बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट।
बिजनेस एनवायरमेंट, इट्स बिजनेस एनवायरमेंट, सारी इंस्टीट्यूशन सारे इंडिविजुअल्स का टोटल कर दो जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, वही तो हमारा एनवायरमेंट है, इट इज बिजनेस एनवायरमेंट. नेम द कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी करवाया हुआ स्पैन ऑफ, यस मतलब करवाए हुए क्वेश्चन है, कहीं से बाहर से थोड़े ना डाले, एनसीईआरटी की वर्डिंग उठाई है. टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, हाँ बोलो एक ही बेस्ट मेथड है. दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होना चाहिए उसमें, बेस्ट मेथड की बात करिए या मेथड स्टडी में करिए उसने, तो देखो 24th का बी ही है, यस 24th बी बिल्कुल ठीक है. चलिए जी ऐसे ही सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन की कोई तुक थोड़ी ना, ना चैप्टर वाइज डिवीजन करी, सारे चैप्टर आ गए ना मार्केटिंग तक, तो यहाँ पे आ गया, ऐसे सेक्शन बनाए, फर्स्ट 24 क्वेश्चन इज सब सेक्शन बी, देन सेक्शन सॉरी सेक्शन ए, देन 25th टू 50 क्वेश्चन सेक्शन बी है, एक सी सेक्शन भी बनाया. चलो पढ़ो ये, इंडिया हैज लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच विल अलाउ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग इट्स बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज बाय इमेजिंग द कंट्री 4-5 टाइम्स अ डे. ठीक है, अपने ऊपर से मतलब सैटेलाइट के थ्रू अपनी कंट्री की इमेज लेना, अपने नेबरिंग कंट्री की भी इमेज लेना. ठीक है, ये इमेज कई बार सैटेलाइट की हमारी वायरल भी होती है ना, जब यहाँ पे पता चलता है कि चाइना का फोर्स हमारी कंट्री की लाइन को कंट्रोल को पार करके इस तरफ आ रहा है, तो ये इमेजेस सैटेलाइट से ली जाती हैं. द सैटेलाइट इज कैपेबल ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फ्लड्स एंड साइक्लोन के लिए भी यूज होगा ये सैटेलाइट. द फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरमेंट बींग डिस्कस्ड अबव इज टेक्नोलॉजिकल, यस वेरी इजी 25th का सी बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी का बहुत आसान बनाया बिजनेस का पेपर, तो या बिजनेस है ही आसान शायद, मैंने तो ठीक ठीक डाला है. विच स्टेप, अब इसने केस स्टडी एक ही डाली पूरे पेपर में, मैंने दो डाली फॉर योर प्रैक्टिस. विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल प्रोसीड, प्रोसीड मतलब पहले आएगा, कौन सा स्टेप पहले आएगा किससे, विल प्रोसीड द स्टेप in which the manager is required to make certain assumptions. Assumption किस में होती है? Developing premises. Developing premises से पहले क्या आता है? Setting objective आता है मेरे हिसाब से तो. देखो setting objective है option. Yes, C option है. 26 का C बिल्कुल ठीक. Done. आपको पहले तो question को understand करना है बेटे. Proceed का मतलब पहले. किससे पहले आता है? वो step जिसमें manager assumptions लेता है. दोनों step पूछ लिए एक तरह से. Manager assumption किस में लेता है? Developing premises में. और वो second step है. Developing premises से पहले क्या आता है? Setting objectives आता है. So C is the correct option. Again a good question he framed. Availability and affordability of the products were considered to be the key to the success of the firm. सामान ऐसा बनाओ ना तो उसकी shortage हो और ना ही उसको खरीदना लोगों को महंगा लगे. कौन से concept में ये सोचा जाएगा? प्रोडक्शन में होगा मेरे हिसाब से. प्रोडक्शन में क्या है? क्वांटिटी बढ़ाओ. जब क्वांटिटी बढ़ाओगे कभी भी उसकी शॉर्टेज नहीं होगी. एंड यू नो जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाती है, तो सेलिंग प्राइस भी कम होगा. ठीक है, जब आप लिमिटेड सामान बनाते हो तो वो महंगा बनता है, जब आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है. सो दिस इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट 27th का ए. डन. ठीक है, पढ़ो अगला केस स्टडी टाइप सी है. एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन फॉर फिल्म शूटिंग द J&K फिल्म पॉलिसी 2021 ऑफर्स अ होस्ट ऑफ इंसेंटिव टू द फिल्म मेकर. 2021 में दोबारा से मतलब दो चार डेकेड्स पहले ऐसे हुआ करता था, 25-30 साल पहले, कि अच्छी लोकेशंस होती थी कश्मीर में तो फिल्म मेकर्स वहां पे जाते थे. अब फिर से J&K गवर्नमेंट ने अपना प्लान चेंज किया और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने शुरू करे फिल्म मेकर्स को, रादर दे आर इनवाइटिंग देम, यू कैन कम टू आवर स्टेट एंड यू कैन शूट योर फिल्म्स हियर. सच एज क्या सब्सिडीज मिलेंगी उन्हें? सब्सिडीज एंड लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फॉर फिल्म्स विद पेट्रियोटिक फिल्म, अगर आप बना रहे हैं पेट्रियोटिज्म पे बना रहे हैं, एंड सर्टेन अदर थीम्स शॉट इन J&K. अगर छोटी कोई शॉर्ट मूवीज भी बनानी है लेकिन थीम बेस्ड है तो सच
इंसेंटिव्स वी विल बी गिविंग फॉर गिविंग वर्क. क्यों ऐसा है? ताकि हमारे लोकल आर्टिस्ट को काम मिले. फॉर गिविंग वर्क अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल आर्टिस्ट एटसेट्रा. दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंटरप्राइज इन द स्टेट. विच कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड अबव? Which component? इसने बनाया है 28 का C. इकोनॉमिक में क्या होता है? होता क्या इकोनॉमिक में? आपने कैसे रिलेट किया इकोनॉमिक को? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात हुई है और इंटरेस्ट रेट की बात हुई है. ठीक है, ये दो चीजें इकोनॉमिक के साथ आप रिलेट कर सकते हो. टेक्नोलॉजी की कहीं पे बात नहीं हुई, स्टेट की डेवलपमेंट की बात हुई है, तो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इट हैज सेट अप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. एक नई कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बना रही है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रीप करना चाहती है मार्केट में से. द कंपनी हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इनटू नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स 5G नेटवर्क इक्विपमेंट एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स. विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज द बिजनेस सीक टू फुलफिल? ग्रोथ ही है. ठीक है ना, आप नए नई चीजें जब एक्सप्लोर करते हो तो ग्रोथ है भाई 29 का. ठीक है, ठीक, सेमीकंडक्टर बना रही थी, अब प्रपोजल और कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जाएंगे, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट बनाएंगे, तो डेफिनेटली इट इज एक्सप्लोरिंग फॉर इट्स एक्सपेंशन फॉर इट्स ग्रोथ. प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस. व्हाट इट मींस? इस लाइन का मतलब कौन बताएगा मेरे को? पांच वर्ड है, प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस. व्हाट इट मींस? पर यूनिट कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने की अगर 10 रुपए आई है तो मिनिमम प्राइस को आप 10 रुपए रखोगे ही. इसका मतलब ये है, प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लिमिट ऑफ द प्राइस. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो. अगर आप 15% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप इसमें 1.5 रुपए ऐड कर दो, 11.5 में बेच देना. अगर आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इसमें 2 रुपए ऐड कर दो, आप 12 में बेच देना. लेकिन मिनिमम इतना तो प्राइस रखोगे ना, तो ठीक वर्ड लिखा ना उसने. प्रोडक्ट कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेट्स द लिमिट्स ऑफ प्राइस द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट. अब वो प्रोडक्ट हमें बेनिफिट कितना देता है, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, दैट विल सेट द अपर लिमिट. अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो आप हाई प्राइस में फिक्स करोगे, लोग खरीदेंगे, राइट. अगर उसकी प्रोडक्ट की यूजफुलनेस बहुत, जैसे COVID-19 के दौरान नेट पैक, लोगों ने घर में वाईफाई लगाना था, जितना मर्जी रेट चार्ज करते लोगों ने लगवाना ही था. वाईफाई का जो बॉक्स है जितना मर्जी रेट बढ़ा देते, चाहे डबल करते, लोगों ने लेना ही था, बिकॉज दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर. तो यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल सेट द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस. तो लाइन बिल्कुल ठीक लिखी. आगे पूछा गया हमसे, सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड. अब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइलास्टिक? प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड में चेंज नहीं आता. लाइक इन केस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज, लाइक इन केस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, 102 रुपए लीटर हो गया, बट वी हैवंट चेंज्ड आवर डिमांड. ठीक है, कुछ खास लोग ही होंगे, रेयर लोग होंगे जो स्कूटर और गाड़ी को छोड़ के साइकिल पे आ गए होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल ने अपनी उस डिमांड को चेंज नहीं किया. एम आई राइट? सो इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं. आपसे क्या पूछा है? सो इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू डैश व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस. टोटल रेवेन्यू इन इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगी ना, व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस. ठीक है, जब प्राइस बढ़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी. राइसेस 30th का ए, बिल्कुल ठीक है. राइसेस हमारे वाली ऑप्शन सी है. ठीक है, चलो जी आगे पढ़ते हैं. एजर्शन रीजन भी बहुत कम डाले, आने वाले हैं. 31st पढ़ो बॉयज, 31st पढ़ो. अ मैनेजर इज इन अ कॉन्शियस मैनर हैज टू एंश्योर दैट इवन वेयर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स विलिंगली कोऑपरेट, कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट. ये एक लाइन है और आपसे पूछा गया है ये कोऑर्डिनेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करती है. आपने कोऑर्डिनेशन का टॉपिक पढ़ा होगा तभी पता चलेगा. कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट फंक्शन है मीन्स अपने आप
आप में कोऑर्डिनेशन करने की स्पिरिट आती है, ये आप पढ़ोगे एग्जैक्ट, मेरे को भी नहीं पता, यू विल रीड ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, देन ओनली यू विल कम टू नो। 31st का बी लिखा इसने, डेलिब्रेट, ये इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है। सो दैट लाइंस यू नीड टू रीड, दैट लाइंस यू नीड टू हाईलाइट, आपको वो लर्न करनी पड़ेगी हर पॉइंट की लाइन। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, पहले तो यही इनकरेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड एट ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी फुली डेलीगेटेड। याद है ये कॉन्सेप्ट तीनों, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, दोनों ही इनकरेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, इजंट इट? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पार्टली डेलीगेटेड, तो कौन सी ऑप्शन है? डी, बोथ द बी डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 32nd का डी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही गलत है। हाँ, इस लाइन को चेंज कर देता, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, तो फर्स्ट करेक्ट होती, सेकंड भी करेक्ट हो सकती थी अगर वो लिख देता रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पार्टली डेलीगेटेड, तो करेक्ट हो सकती थी, लेकिन हमारी दोनों ही इनकरेक्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाया। सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड, वी वर टॉकिंग अबाउट साइकिल्स और साइकिल्स पे क्वेश्चन आ गया। द सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। इस लाइन का क्या मतलब है? वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, कम से कम सैलरी या वेजेस देके उनसे आउटपुट ज्यादा लेना चाहता है, ठीक है, इसका मतलब ये है। ऑन द अदर हैंड रमाकांत एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वांट्स टू गेट मैक्सिमम सैलरी व्हाइल वर्किंग द लीस्ट। दोनों का कॉन्ट्रेरी है। वर्कर्स हमेशा, मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ, वर्कर्स हमेशा वेले रह के पैसे कमाना चाहते हैं और मैनेजर्स उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहते हैं और कम से कम पे करना चाहते हैं। तो वही ओपिनियन आया, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल बीइंग वायलेटेड बाय रमाकांत। मेरे हिसाब से सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, जहां पे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दे रहा है। मेरे रेम्यूनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि रेम्यूनेशन का मतलब है फेयर रेम्यूनेशन, जितना वो काम करेंगे वो देना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। डिसिप्लिन भी नहीं हो सकता, इक्विटी में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करनी है वो भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबॉर्डिनेशन वाला है। 33rd का डी बिल्कुल ठीक, डन, की में डी ही है। आपको याद है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? वी कांट लेट द पर्सनल इंटरेस्ट ओवर पार द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी एक अकेले बंदे के इंटरेस्ट को ओवर पार नहीं होने देंगे इन कंपैरिजन टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सो इन दैट केस हम रमाकांत की बात नहीं मान सकते, हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना है। चलो अरेंज करो सीक्वेंस, पहला सी, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन बी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, कहां पे सी बी है ही नहीं। अच्छा ऐसे बनाए हैं, ओके सी बी, हाउ कम सी पहले है और बी, सी बी वाला है ही नहीं, कहां पे है सी बी वाला? नहीं ऐसे लाइन वाइज बनाए, कैसे बनाए? रो वाइज है, सी सी है, उसने पहले बी बनाया, उसमें सी के बाद सी नहीं लिखा उसने। अच्छा ओके, डन डन डन, वो ऑप्शंस के नाम है, ठीक है ठीक है, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राइट राइट। मैं ये कह रही थी नंबरिंग नहीं दी, इस क्वेश्चन में नंबरिंग दी है, वो उसके साथ मर्ज हो गई, डन गुड। चलो जी आगे बढ़ो। 35th, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ करिश्मा लिमिटेड अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन has an objective to increase production by 10%, but the sales department does not approve for the increase of the production. Production बढ़ाना चाहते हैं लेकिन sales department कहता है production नहीं बढ़ सकती, उसने उसको approval नहीं दिया। Till the changes are brought about in the product to incorporate latest fashion, मतलब पुराने fashion का मत बनाओ, वो बिकता ही नहीं है, तो sales department अपने level पे ठीक है ना, कहता जब तक आप प्रोडक्ट में लेटेस्ट चेंजेस नहीं लेके आओगे लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गारमेंट्स हम बना रहे हैं, सो व्हाटएवर इज इन द ट्रेंड दैट चेंजेस वी हैव टू ब्रिंग इन आवर प्रोडक्ट्स, दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिंग टू द लाइट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द फोर्स दैट कैन हेल्प टू अकम्प्लिश द लिंकिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन है,
हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को, या ग्रोथ इन साइज फंक्शनल डिफरेंशिएशन ही है। ये कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स हैं, चैप्टर के लास्ट का पेज है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन बी होना चाहिए 35th का, ठीक है जी, बी है। एक दो और डिस्कस करते हैं, देन टाइम इज रनिंग आउट। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क, आर यू एग्री? गेस वर्क तो नहीं है ना प्लानिंग। द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर टू द अबव स्टेटमेंट इज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि इंटेलेक्चुअल आपका जो पार है, आपका जो आईक्यू लेवल है, वो इसमें यूज होता है। 36 का डी बिल्कुल ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। सिलिको लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन भाल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। किसी कंपनी का वो बंदा था, वहां पे कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव का काम करता था, आपने उसे अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क? कौन से लेवल पे आया वाइस प्रेसिडेंट? टॉप लेवल पे आया। वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी का तो टॉप लेवल पे आया, उसका मेजर टास्क क्या होगा? पहला ही होना, टू इंटेग्रेट द डिवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट। पहले तो आपको लेवल पता होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना के रखने का काम करेगा, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा। दिस इज 37, 37 का ए, 37 का ए बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स बट डज नॉट पे अटेंशन टू द इथिकल एंड इकोलॉजिकल aspects of marketing can't be justified is known as, कौन सा concept है? Social थोड़ी ना, उसने बोला social को तो आप देते ही नहीं हो importance, marketing है सिर्फ consumer needs को satisfy करते हो। अगर साथ में लिखा होता social responsibility और ethicals भी हो आप, तो societal marketing होता। मेरे साथ से ये है 38 का, इसने B लिखा। पर दोबारा पढ़ो फिर। The marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfies human needs, but अच्छा लाइन ही उलट बनाई है। Any activity which satisfies human needs, लोगों की जरूरतों को तो पूरा करती है, लेकिन does not pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing, cannot be justified, is known as। अगर आप human needs को तो पूरा करते हो, लेकिन आप सोसाइटी में अपने इथिक्स को, लाइक यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर सेलिंग द अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, यू आर नॉट फुलफिलिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इकोलॉजिकल बैलेंस भी नहीं बना के रख रहे हो, मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, तो आप सोसाइटल मार्केटिंग में नहीं आ सकते, ठीक है। तो रिवर्स क्वेश्चन बनाया नेगेटिव सेंस में, बाकी कल ही करेंगे कंटिन्यू। दोनों में है क्या? मैं डिस्कस करती हूँ। 38 का भी